क्लास वन साइंस मैंने एक आज टॉपिक उठाया है सोर्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन का स्रोत, यानी कि हमको भोजन कहाँ कहाँ से मिलता है, किससे मिलता है। तो हमको भोजन दो चीज़ों से मिलता है, एक प्लांट से और एक एनिमल से, यानी पौधों से और जानवरों से। ठीक है, तो प्लांट्स हमें क्या क्या मिलता है हमें ये देखना है। वी गेट फ्रूट वेजिटेबल पल्सेज ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट, हमें पौधों से फल सब्जी दाल अनाज मिलता है। ठीक है, और एनिमल्स जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है। वी गेट मीट मिल्क एंड एग्स फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स, हमें जानवरों से अंडा दूध ये मांस किससे मिलता है, जानवरों से मिलता है। अब देखें आगे टॉपिक है मेरा ईटिंग टाइम, यानी खाने का समय। खाने का भी एक समय होता है जिससे हम लोग हमेशा हर टाइम नहीं खा सकते, उसका भी एक लिमिट होता है, टाइम बना हुआ है। वी ईट थ्री मील्स इन अ डे, हमें एक दिन में तीन बार भोजन करना चाहिए, थ्री मील्स लेना चाहिए। फर्स्ट हो गया वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हम सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी सुबह का नाश्ता करते हैं। सेकेंड हो गया वी टेक लंच इन द आफ्टरनून, और दोपहर में हम लोग लंच लेते हैं, यानी कि दोपहर का भोजन लेते हैं। थर्ड हो गया वी टेक डिनर इन द नाइट, और रात में हम लोग क्या लेते हैं, डिनर लेते हैं। डिनर का मतलब क्या होता है, रात का भोजन। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है सुबह का नाश्ता, और लंच का मतलब होता है दोपहर का भोजन, और डिनर का मतलब होता है रात का भोजन।